पहले ये सुनसान गांव जो पहाड़ियों में बसा हुआ है कुछ इस तरह दिखता था। और क्योंकि ये गांव ग्वाटेमाला जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है, एक ऐसा ट्रॉपिकल एरिया जहां गर्मियों में भारी तूफानी बारिश होती है, तब इनमें से कई घर ऐसी भयानक परिस्थितियों के आगे टिक नहीं पाते। और यहां के लोगों पर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घरों को बार बार बनाने का दबाव पड़ जाता है। हालांकि ग्वाटेमाला सिटी यहां से बस 4 घंटों की दूरी पर है और वो इस गांव से बिल्कुल अलग है। वहां पक्के बने हुए मार्केट्स और काम मिलने के कई सारे मौके हैं और यही दूरी हम कम करना चाहते हैं। हमें ग्वाटेमाला के इस कम्युनिटी के बारे में पता चलते ही हमने कांटेक्ट किया टेचो को, जिसके साथ हमने 2 साल पहले काम किया था, और हमने कोस्टा रिका के गरीब कम्युनिटी के लिए 10 घर बनाए थे ताकि हम इस गांव को नष्ट होने से किसी तरह से बचा सकें। और 1 हफ्ते बाद डैरेन ग्वाटेमाला सिटी के पास पहुंच गए और वहां खूबसूरत लैंडस्केप्स और रिच कल्चर होने के बावजूद भी उन्हें जल्दी से एहसास हो गया कि चिसिगुआन के उस छोटे से गांव तक पहुंचना कितना मुश्किल है। उन्हें पास वाले गांव तक एक चार्टर प्लेन से जाना पड़ा और उसके बाद जंगल से होते हुए मीलों तक चलकर जाना पड़ा। एक ऐसी कसरत जो इन्हें पैसे कमाने के लिए हर रोज करनी पड़ती है। वहां पहुंचने पर डैरेन की मुलाकात हुई अल्बर्टो से, 8 बच्चों के पिता जो अपनी पत्नी मरिया के साथ उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें सबसे करीबी सिटी तक पहुंचकर फैब्रिक बेचने के लिए घंटों सफर करना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ $2 मिलते हैं। मतलब उनके परिवार के हर एक सदस्य को हर हफ्ते लगभग $1 में जीना पड़ता है। और इतना ही नहीं, परिवार में सभी को एक ही बेडरूम शेयर करना पड़ता है। अभी ये लोग जिन घरों में रह रहे हैं वो बहुत ही बुनियादी स्तर के हैं। इनके फ्लोर्स मिट्टी से बने हुए हैं। यहाँ कोई बिजली नहीं है। इन्हें घर में आग जलाकर खाना बनाना पड़ता है और खुद को गर्म रखना पड़ता है। और उसके साथ ही अल्बर्ट और उसके कम्युनिटी के लिए पीने का साफ पानी इकट्ठा करने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें अब भी जाकर कुएं से पानी लाना पड़ता है, पर जितना पानी हम इकट्ठा कर पाते हैं वो हमारे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए काफी नहीं पड़ पाता। अपने परिवार को पालने के लिए इन्हें इतनी मुश्किलों से जाना पड़ता है कि हमें ये देखकर बहुत बुरा लगता है। हम इस समुदाय की मदद करना चाहते हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, इन्हें एक कंफर्टेबल और सुरक्षित जगह देना चाहते हैं जहां ये बच्चों को बड़ा कर सके। तो अगले कुछ दिन हम हमारे पार्टनर टेचो जो यहां काम करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ी योजना है। तो बस 4 दिनों में हम यहां पर 15 नए घर बनाने वाले हैं, जहां होंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ सोलर पैनल्स, एक सैनिटेशन सिस्टम, कॉन्क्रीट के फ्लोर्स, एक लकड़ी जलाने का चूल्हा और एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होगा स्टोरेज और फिल्ट्रेशन के साथ। टेचो में ऐसे लगभग 15 लाख वॉलंटियर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से पास होकर निकले हैं। इस तरह की एक्टिविटीज उन्हें उनकी पारंपरिक जड़ों से जोड़कर और उन छोटे कम्युनिटीज को सहारा देकर उनकी जिंदगी बदल सकती है। वो अपने और उन कम किस्मत वाले लोगों के बीच की दूरी कम करने में मदद करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब उस काम को शुरू करने में 4 दिन बचे थे, तब टेचो के करीब 50 वॉलंटियर्स उस गांव में कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए चले गए। और उस गांव में सड़कें कम होने की वजह से डैरेन और उन वॉलंटियर्स को सभी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स पहाड़ी की चोटी पर उठाकर ले जाने पड़े जहां वो नए घर बनाए जा रहे थे। इसलिए अगले 48 घंटे बहुत ही मुश्किल होने वाले थे। बस 2 ही दिनों में उन्होंने घर के कंस्ट्रक्शंस बनाने पूरे कर लिए थे। हालांकि बचे हुए सिर्फ 48 घंटों में अब भी उनके वाटर कलेक्शन सिस्टम के लिए इरिगेशन पाइप्स लगाने और प्लम्बिंग करना बाकी था। वो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर पाएंगे ताकि बारिश के ना होने पर भी इनके लिए पर्याप्त पानी मुहैया हो सके। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। मैंने कभी डैरेन की क्षमता पर शक नहीं किया, पर नहीं होता। पर सूरज उगने से पहले उन्होंने वक्त पर काम खत्म कर लिया ताकि अल्बर्टो और उन सभी परिवारों को नए घर का सरप्राइज मिल सके। और बच्चे तो अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाए। चलो रिबन काटते हैं। हम तुरंत ही देख पा रहे थे कि ये समुदाय कितना खुश था। उनके चेहरे पर की वो हंसी, उनकी आवाज में एक्साइटमेंट, वो एक बेहद खूबसूरत अनुभव था। वो जिस तरह से शुक्रिया कर रहे थे वो मुझे हमने किए काम से बहुत बड़ा लग रहा था। अब उनके पास और ज्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मौके होंगे, क्योंकि अब उन्हें बारिश के बाद घर को मेंटेन करने के लिए कम वक्त लगाना होगा और टेचो के बनाए हुए नए रोड से उन्हें पास के कम्युनिटी में आना जाना आसान हो जाएगा। अब बिजली के होते उनके बच्चों को रात में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये नए चूल्हे हेल्दी खाना बनाना बहुत आसान कर देते हैं और इसी से ये कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी और एक दिन एक फुली फंक्शनल गाँव बन जाएगा।
जहां पास में बसी हुई सिटी के लोगों जितने ही काम होंगे, तो अल्बर्टो और उसके परिवार को अब कभी भी उस जोखिम भरे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस सब के लिए बहुत खुश हैं। मेरी बीवी और सभी बच्चे भी इसे लेकर बहुत खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और इसके बाद भी हमारे पास इस कम्युनिटी के लिए और एक सरप्राइज है, पर उसे दिखाने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्रैगन सिटी इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के बावजूद ड्रैगन सिटी होस्ट कर रहा है एक फिलैंथ्रोपी वीक चैलेंज, जो जनवरी 21 से लेकर 28 तक रहेगा। विनर्स स्टेचो के लिए पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक और एक फ्लेम पैरेंट को ब्रीड करके, और हर 50,000 पॉइंट्स अर्न होने पर ड्रैगन सिटी टेचो.us को $100 डोनेट करेंगे, ताकि लैटिन अमेरिका में शेल्टर्स बनाने में मदद कर सके, जिसका डोनेशन गोल है $20,000। और हाँ, इसमें कस्टम मिस्टर बीस्ट रनर 24 जनवरी से शुरू होने वाला है, जहां आप सभी मिस्टर बीस्ट ड्रैगन्स को इन गेम ऑफर से पा सकते हैं। पर अगर आपको मेरे ड्रैगन्स पसंद नहीं है, तो आप हजारों ड्रैगन्स में से भी चुन सकते हैं। फिक्र मत करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा जब तक आप सब्सक्राइब करते हैं। ड्रैगन सिटी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें, या फिर इस QR कोड को स्कैन करें, जिसमें होगा स्पेशल स्टार्टअप पैक 15,000 फूड, 30,000 गोल्ड, 10 जेम्स, और ज्वाइन करें 20 फिलैंथ्रोपी वीक एक ड्रैगन मास्टर बनकर। वो 15 घर बनाने के बाद हम यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर भी बना रहे हैं, जो कि स्कूल के लिए कुछ एडिशनल क्लासरूम्स जैसा होगा। अभी उस स्कूल में सिर्फ 2 क्लासरूम्स हैं। यहाँ की औरतें उसे ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स की तरह इस्तेमाल करेंगी, ताकि वो नई स्किल्स सीख कर जॉब के नए रास्ते ढूंढ सके। इस गांव के लोगों ने हमारे लिए अपने घरों को खुला कर दिया, अपने दिलों को खुला किया, और साथ ही में अपने समुदाय को भी खुला किया, और उसका हमें इस समुदाय में रहकर एहसास हुआ। इस वीडियो के लिए आपका सपोर्ट मायने रखता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हमेशा की तरह आप सभी की आंखें इस वीडियो को देखकर लोगों की मदद करती हैं, पर आपकी उंगलियां भी मदद कर सकती हैं। वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर तो जल्दी दबाइए, और कमेंट्स में हमें बताइए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं करेगा उन पर गुस्सा करिए लेकिन प्यार से, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी पसंद है। पर हाँ, उन सबसे सब्सक्राइब जरूर करवाइए। बाय। एना की प्यार भरी याद में हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब।